शिक्षा में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय, वेद, रामायण, महाभारत आदि का शिक्षा में समावेश, सह शिक्षा आदि विषयों पर संघ की क्या राय है? देखिए, धर्मपाल जी के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ध्यान में आया कि परंपरा से हमारी शिक्षा पद्धति ज़्यादा प्रभावी, अधिक लोगों को साक्षर बनाने वाली, मनुष्य बनाने वाली और अपना जीवन चलाने के लिए योग्य बनाने वाली थी। वो अपने देश में ले गए और ऐसा सब कुछ एक साथ न कर सकने वाली उनकी पद्धतियाँ उन्होंने लाई। ये इतिहास है और इसलिए आज के दुनिया में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो लेने लायक है वो लेते हुए, अपनी परंपरा से जो लेना है वो लेकर हमको एक नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए। आशा करता हूँ कि नई शिक्षा नीति आने को हुई है, उसमें ये सब बातें होंगी और अपने देश का विचारधन उसमें से मिलना चाहिए। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरायने संतवाणी एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। ये शिक्षा में भारत के लोगों को मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और भी संप्रदाय है जो बाहर से आए हैं लेकिन उसकी अच्छी खासी संख्या है, उसमें भी जो मूल्य बोध है वो सिखाना चाहिए। रिलीजन की शिक्षा भले ही हम न दे लेकिन दृष्टि, मूल्यबोध इस दृष्टि से और उसमें से निकलने वाले संस्कारों की दृष्टि से इन सबका अध्ययन, पठन पाठन हमारे शिक्षा पद्धति में, देश की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा इस नाते अनिवार्य है, ऐसा संघ का मत है।